साहिबा, आप ये फरमाइएगा कि आज की इस्तेकाक कमेटी में आप एक बिल लेके आई हैं जो खवातीन के हवाले से है, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में बताएंगी कि क्या बिल है ये। जी बिल्कुल, मैं असेंबली के अंदर एक बिल लेकर आई हूँ, और बुनियादी तौर पर इस बिल की जो वजह है लाने की ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं या सेलेक्ट कमेटीज हैं या पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं और दीगर कमेटीज हैं असेंबली के अंदर, उसमें खवातीन की जो शरह है उसको बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि 17% रिजर्व सीट पे खवातीन आती हैं, और इसके अलावा चंद खवातीन बशमूल मेरे, हम जनरल इलेक्शंस लड़के आए हैं, तो लगभग हमारी तादाद जो है वो 70 के करीब बन जाती है। सो 60 आती हैं रिजर्व सीट पे और 8 के करीब खवातीन है, तो इस वक्त 68 खवातीन है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई स्पेशल कमेटी बनती है या कोई पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनते हैं जो कि स्पीकर की जगह बिठाए जाते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को कंडक्ट करने के लिए, उसमें अक्सर देखते हैं कि खवातीन को मिस किया जाता है। तो क्या ये माइंडसेट है या ये आदत है कि खवातीन को ऑन बोर्ड नहीं लेना? देखिए, रूल्स के अंदर और लॉज के अंदर जहाँ जहाँ खवातीन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का जिक्र है, वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इंश्योर करती हैं। लेकिन रूल्स के अंदर जब ये चीज़ डाल दी जाएगी कि इस नंबर से कम खवातीन या नहीं हो एक कमेटी में, तो वो इंश्योर हो जाएगा कि हर कमेटी के अंदर खातून की या खवातीन की पार्टिसिपेशन है। तो मेरा जो मकसद था वो बेसिकली कैसे माइंडसेट को मैं कहूँ कि इस्लाह करने का था, कि जो खवातीन को पार्टिसिपेशन या तो इंटेंशनली नहीं करने देते या फिर उनके जहन में ही खवातीन नहीं होती कि उनको किसी फोरम का हिस्सा बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने ये प्रपोज किया था कि हर कमेटी के अंदर 1/4 मेंबरशिप जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल हो। लेकिन ये अगर वो कहते हैं कि जी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं होता क्योंकि खवातीन का वो नंबर नहीं है 342 के हाउस में, तो मैंने ये भी कहा कि जी आप अगर 1/4 मेंबरशिप नहीं दे सकते तो कोई तो नंबर रखें। जिस तरह इलेक्शंस में हमने 5% जनरल सीट खवातीन को देने की बात की, तो यहाँ पर कोई तो नंबर रखें कि इस नंबर से नीचे खवातीन जो है वो हमें कमेटीज में नहीं दिखनी चाहिए। तो ये एक अश्योरेंस और एक जो बात तय हो जाएगी कि भी खवातीन हर कमेटी में है और इनकी ये तादाद है, इससे ज्यादा भी तादाद हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे खुशी हुई है कि मैं कायल कर सकी हूँ यहाँ पर मौजूद मेंबर्स को, और वो इस प्रपोजल पर गौर कर रहे हैं और मजीद इस पर बात करने के लिए उन्होंने अगली मीटिंग में भी ये अंदिया दिया है। कमेटी चेयरमैन ने, चेयरमैन साहब ने कोऑपरेट भी किया है और उन्होंने ये बड़ा वाजे किया है कि इस प्रपोजल के वो हक में हैं और इस पर मजीद वर्किंग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।